बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में खूंखार सास और मां का किरदार निभाने वाली ललिता पवार अक्सर अपनी फिल्मों में अपने बेटों पर हुक्म जमाते हुए एक स्ट्रिक्ट मां के रूप में नजर आती थी। वहीं रियल लाइफ में भी अपने बेटे पर काफी हुक्म जमाती थी और वो भी इनका हर एक कहा मानता था, जिसके चलते इन्होंने एक खुशहाल जिंदगी जी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर समय अपने बेटे पर हुक्म जमाने वाली ललिता पवार के साथ ऐसा क्या हुआ जो बेटे के होते हुए भी इनकी लाश 3 दिनों तक सड़ती रही और इनकी मौत का किसी को पता नहीं चला? अगर नहीं जानते तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ललिता पवार की लाश 3 दिनों तक सड़ती रही, वो भी बेटे के होते हुए। पर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बॉलीवुड की मशहूर और लेजेंडरी अभिनेत्री, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में नासिक में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई वहीं से पूरी की थी। लेकिन अगर बात की जाए इनकी एक्टिंग करियर की, तो इन्हें बचपन से ही अभिनय का काफी शौक था, इसलिए तो इन्होंने 9 साल की उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। और साथ ही ये इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि इन्हें सबसे पहले साल 1928 में आई फिल्म राजा हरिश्चंद्र में काम करने का मौका मिला, जिसमें ये हमें बाल कलाकार के तौर पर दिखाई दी, जिसके बाद इन्होंने कई मूक और बोलते फिल्मों में अभिनय किया। मगर साल 1942 की फिल्म जंगे आजादी के एक सीन के दौरान जब अभिनेता मास्टर भगवान को इन्हें एक जोरदार तमाचा मारना था, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जो कि सीधा ललिता पवार के कान पर लगा और ललिता पवार की आंख की नस फट गई, जिसके चलते ललिता पवार की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। जी हाँ, इसी इंसिडेंट के बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहाँ मिले गलत ट्रीटमेंट की वजह से ललिता पवार का आधा चेहरा पैरालाइज हो गया, उनकी आंख भी सिकुड़ गई, जिसके बाद किसी ने भी उन्हें काम देना बंद कर दिया था, जिसके चलते हमेशा लीड रोल में नजर आने वाली अभिनेत्री एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गई। मगर ललिता पवार ने हार नहीं मानी और अपनी साइड कैरेक्टर से ही अपनी एक दमदार पहचान बना ली, जिसके बाद इन्होंने अपनी जिंदगी में खुशी पाने के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ गणपत राव पवार से शादी की, पर उन्होंने ललिता को धोखा दे दिया, जिसके बाद ललिता ने फिल्म निर्माता राज प्रकाश गुप्ता से शादी की, जिनके साथ इन्होंने ताउम्र एक खुशहाली से भरी जिंदगी बिताई। मगर इन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई थी और वह इनके पति भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिसके चलते ये घर पर अकेली थी और वह इनके बेटे जय पवार मुंबई में अपने परिवार के साथ रहा करते थे, जिसके चलते वो बस फोन पर ललिता पवार के हाल चाल पूछ लिया करते थे। मगर कुछ दिनों से इनके बेटे जय ने इनका हाल चाल नहीं पूछा था और उन्हीं दिनों में ललिता पवार काफी बीमार हो गई थी और अपनी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ते लड़ते ललिता पवार का निधन हो गया और 3 दिन तक ललिता की लाश उनके घर आरोही में सड़ती रही, जिसका पता किसी को भी नहीं चला। मगर जब एक दिन इनके बेटे ने फोन किया और किसी ने कॉल का जवाब नहीं दिया, तो पुलिस इनके घर पहुंची। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो वहाँ ललिता पवार की मृत लाश पाई गई और एक टैलेंटेड अभिनेत्री हमारे बीच से चली गई। तो दोस्तों, आपको ललिता पवार की मौत का जिम्मेदार कौन लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।